इस तरीके से इस मिक्सचर को बनके तैयार होना है। ये देखिए दोस्तों, ये चीजें मैंने जो ले रखी है, पांच चीजें हैं। इन पांच चीजों से हम आज ऑर्गेनिक एनपीके बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू और आपका स्वागत है मंजू गार्डनिंग एंड ब्लॉग्स में। आज देखिए मोगरा को दिखा रही हूँ, कितना बम्पर ब्लूम हो रहा, कितनी फ्लावरिंग हो रही। देखिए सारी फ्लावरिंग निकल भी रही है और इतनी खुशबू होती है। दोस्तों मोगरा के प्लांट में रात्रि में ज्यादा खुशबू होती है, दिन में खुशबू उतनी नहीं होती। दोस्तों इसकी वीडियो मेरे चैनल पर डली हुई है और इसके टिप्स और केयर्स में प्लीज आप देखिएगा। आज का जो फर्टिलाइजर मैं बनाने जा रही हूँ वो सारे प्लांट के लिए, पूरे गार्डन के लिए, आपके पूरे गार्डन को वो महका देगा। ये देखें, ये गुड़हल का प्लांट है। अगर आपके गुड़हल में भी कलियाँ नहीं बननी है, कलियाँ गिर जा रही बिना खिले या फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो इस तरीके से गुड़हल में भी बम्पर फ्लावरिंग। देखिए कलियाँ ही कलियाँ बनी हुई हैं, खिल रहा है लेकिन धूप से गुड़हल जल जाता है, इसको बचाना होता है। इसके फ्लावर भी छोटे छोटे होते हैं, कम खिलते हैं। इस तरीके से पूरा गार्डन है और यहाँ देखो गुलाब, मेरा गुलाब में बम्पर गुलाब लगे हुए हैं, इतने अच्छे मेरे गुलाब हो रखे हैं। पूरा टिप्स और केयर्स ही मैंने कितनी वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। न्यू शूट्स देखिए, मेरा प्लांट भरा हुआ है। सुबह सुबह की धूप यहाँ पर आती है, पूरे दिन की धूप में इसको नहीं देती हूँ। यहाँ पर डबल पेटल का है, इतना सुंदर कलर इसमें निकला हुआ है। और ये बेलिया गुलाब है, ये कलर देखिए कितना प्यारा इसका हो रहा है। और दोस्तों यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो येलो गुलाब है, ये देखो कितना सुंदर हो रहा है, इनका कलर थोड़ा हल्का हो गया है। और ये गुलाब देखिए, नई नई कलियाँ आ रही हैं। यहाँ देखिए मेरे प्लांट में बेसल सूट्स तक बननी है इतनी गर्मी में। ये देखिए ये बेसल सूट से बनी हुई है, न्यू सूट से निकली हुई है। और गुलाब देखो बम्पर खिल रहा है। और इसी तरीके से मेरा और भी गुलाब खिला हुआ है, न्यू सूट्स। देखिए जब गुलाब में नई सूट्स आती हैं, कटाई छटाई करते हैं, तो उसी के बाद न्यू सूट्स आती हैं और उसी में फ्लावरिंग होती है। पुरानी टहनियों पर, शाखाओं में फ्लावरिंग नहीं होती है। टहनियों की कटाई छटाई करने के बाद आप फंजीसाइड का स्प्रे जरूर कीजिएगा, उससे प्लांट हेल्दी होता है और उसमें खूब जो है कलियां आती है। देखिए इस टहनी पे कितनी कलियां बनी हुई है मेरी, कितनी फ्लावरिंग हो रही है गुलाब का। ये मैं इसलिए आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ ताकि आप जानें कि हम ऑर्गेनिक चीज़ों से किस तरीके से अपने गार्डन की केयर एंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पाँच चीज़ें जो मैंने आज ले रखी हैं उसमें क्या चीज़ है, देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ये चार बनाना के छिलके हैं, केले के छिलके हैं। ये पोटेशियम से भरपूर होता है, इसमें फास्फोरस, मैग्नीज, जिंक सब चीज़ें, आयरन हल्की मात्रा में होता है, पोटेशियम सबसे ज़्यादा होता है। पोटेशियम हमें इसलिए चाहिए कि फ्लावर के लिए बम्पर फ्लावर दें। अगली चीज़ मैंने ले रखी है खट्टी दही, ये भी 50 ग्राम है, ये 50 ग्राम कर रही हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा। ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ये दही ले रखी है, ये खट्टी दही। पहले तो ये यूरिया का काम करेगी, बम्पर ग्रोथ, अगर प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, प्लांट की ग्रोथ बढ़ नहीं रही, तो ऑर्गेनिक यूरिया का काम करेगा दही हमारा। दूसरा इसमें कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, बहुत सारी चीजें होती है, ये हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो माइक्रोब्स है ना उनकी संख्या बढ़ाती है हमारे मिट्टी में, ये है। अगली चीज जो मैंने ले रखी है ये गुड़ है, गुड़ जगरी जिसे बोलते हैं, गुड़ ये मैंने मेल्ट कर लिया है, 50 ग्राम गुड़ को मैंने पिघला करके रख दिया है। ये गुड़ हमारा इसको डिकम्पोज करने के काम आएगा। गुड़ काफी हमारे गार्डन के लिए भी जरूरी होता है, बेनिफिशियल है हमारे गार्डन के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट के लिए कैल्शियम भरपूर होता है। अगली चीज में जो आपको दिखाने वाली ये दाने हैं, ये है सीवीड्स, सीवीड्स के दाने हैं, ग्रेनेट फॉर्म में है। ये जो है ऑर्गेनिक होता है, ये समुद्री शैवाल समुद्र में बनता है नीचे, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही ये होता है। इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट के लिए चाहिए होते हैं। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स तो हमारे हम चीज़ों से दे देते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी होते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे चाहिए होते हैं, वो हमारे सीवीड्स से मिल जाते हैं, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है, ये मैंने ले रखा है। और ये पांचवी चीज है, ये पांचवी चीज जो है नीम की खली है, ये नीम की खली मैंने ले रखी है। ये भी नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस का रिच स्रोत है, बहुत कुछ इसमें पाया जाता है। और दूसरा प्लांट में जो है कीड़े मकोड़े, रूट्स में कोई फंगस गांठे इससे नहीं बनती है, तो इन चीजों को ले रखा है और इनसे हमारा सारा एनपीके नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस इनसे बनने वाला है। तो ये ऑर्गेनिक इसको बनाना कैसे है, किस तरह से, एक आप एयर टाइट बर्तन ले लीजिए, ये देखिए मैंने तो एक बोतल ले रखी है, एयर टाइट बोतल ले रही हूँ। अब इस एयर टाइट बोतल में हमें इन चीजों को डाल देना है, तो इन चीजों को हम अच्छे से आपको इसमें भर देना है। जैसे केले के छिलके हैं, पहले मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि हमारा ये कुछ दिनों में बनता है। जब हम ऑर्गेनिक चीजें बनाते हैं दोस्तों, ऑर्गेनिक चीजें जो है ना हमारी उसी समय बना के डालने की नहीं होती है, कुछ चीजें हमें कुछ टाइम लगता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हमारे बनने में, लेकिन रिजल्ट बहुत जबरदस्त होता है, बहुत अच्छी ग्रोथ हमारे प्लांट के लिए इसमें होती है। तो इस तरीके से मैं इसको डाल दूंगी। बाकी मैंने एक कागज का भी बना रखा है इसमें ऐसे, ताकि मैं अपना जो है ना ये इसको डाल दूं इसमें अच्छे से। ये जुगाड़ मैंने कर रखा है सीवी से डालने का, इसमें बोतल का मुंह छोटा था, इस तरीके से मैंने इसको डाल दिया है। और ऐसे ही ना मैं इसमें नीम खली भी डाल देती हूँ। सारी चीजों को हमें ऐसे ही इसमें डालना है। ये सब मैंने 50 ग्राम 60 ग्राम ज्यादा नहीं इसी अनुपात में ले रखे हैं। ये देखो इसमें डाल चुकी हूँ, तो ये देखिए ये मैंने इसमें डाल दिया है, केले के भी डाल दिया है। देखो दोस्तों हमारे यहाँ इतनी गर्मी हो रही है, मेरा सिर दर्द हो रहा था ना, मेरा चश्मा लगा है, आई साइट कमजोर हो रही है,
लेकिन पसीना देखे यहाँ पर बैठी हुई, इतना पसीना हो गया है, चश्मा भी नहीं पहना जा रहा पसीने से। तो चलिए अब ये दही है, ये दही को भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखें, ये डाल दिया दही और इसके साथ डाल दिया मैंने ये गुड़ जो हमने मेल्ट किया हुआ है। ये डाल दिया, इतना हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी इतना डालना है कि इसको भरना नहीं है, मतलब इसको अभी देखे आप, इसको हमें खाली रखना है, पूरा इसमें पानी नहीं डलेगा। ये देखिए इतना मैंने इसको भर दिया है। देखिए अभी ये ऐसा दिख रहा है सा कलर, ये देखिए। इसको बिल्कुल आप एयर टाइट किसी और बर्तन में भी रख सकते हो, बोतल में रखोगे वो भी बहुत अच्छा है। दोस्तों इस तरीके से ये बना हुआ है, इसको हमें 15 दिन रखना है, 15 डेज आपको इसको रखना होगा। इसमें गुड़ डाला है, ये नहीं सोचना कि इसमें चीटियां लगेंगी। 15 दिन तक हमारा गुड़ जो है ना, सारे बैक्टीरिया इसको खत्म कर देंगे, इसका टेस्ट चला आता है, ये डिकम्पोज हो जाएगा, सब चीज गल जाएगा हमारा, तो कोई चीटियां इससे नहीं लगती है। दूसरा 15 दिन के बाद इसको निकाल के हम छान लेंगे, छान के आप रख देना, जितना चाहो मर्जी, जब चाहो, जब तक चलाना चाहो तब तक ये चलेगा। और इसको मिलाना कैसे है, 1 लीटर पानी लोगे, 1 लीटर पानी में 20 ml डाल लेना, 1 लीटर पानी में 15 या 20 ml, 15 ही ml डाल लेना आप स्टार्टिंग में, 15 ml डाल लेना। और उसके बाद इसको जो है आप सेव करके रखें तो बहुत ही जबरदस्त हमारा ये फर्टिलाइजर बन जाएगा। अभी इस तरीके का दिख रहा है, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब इसकी वीडियो अगर आप चाहोगे तो 15 दिन बाद ही मैं शेयर करूंगी, अगर वीडियो मेरी देखी गई तो ये है। और इसको क्या करना है, हर दूसरे तीसरे दिन ना इसको थोड़ा सा इसकी गैस रिलीज कर देना, इसमें गैस बनती है तो इसको आपको खोलना होगा थोड़ी देर। इसको खोल लिया इस तरीके से, ऐसा 6-7 दिन तक ऐसा कर लेना, तब तक ही बनेगी गैस, फिर नहीं बनेगी। 6-7 दिन तक जरूर इसको आप खोल लेना, फिर इसका ढक्कन लगा देना ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया, तो जरूर बनाइएगा, बहुत ही यूजफुल है, बेनिफिशियल है हमारे प्लांट के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। देखिए इतनी गर्मी हो रही है, मैं वीडियोस बना रही हूँ कि आप लोगों तक भी ये पहुंचे, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।